हेलो फ्रेंड नमस्कार। देखो किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक डिस्कसन करवा तो आसतु फास्ट प्रश्न रही आपंपाई डीटीपी रो फुल फॉर्म कौन तर डीटीपी रो फुल फॉर्म आपंकर कौन हम डीटीपी रो फुल फॉर्म हूँ डेस्कटॉप पब्लिशिंग कौन ना डेस्कटॉप पब्लिशिंग हूँ डीटीपी रो फुल फॉर्म बुझीला ऑप्शन नंबर बी रहा आपंकर सठिक आंसर टी। नेक्स्ट प्रश्न रही देखु नेक्स्ट प्रश्न रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर नेटवर्क ताले ए भितर कोटा गोटे आपमनकर गोटे कंप्यूटर नेटवर्क नुहे तो देखंतु आपन मन कंप्यूटर नेटवर्क जानिछंती कोन ना आपनकर वन गोटे कंप्यूटर नेटवर्क अछि लान अछि आपनकर कंप्यूटर नेटवर्क हला आ गोटे आपनकर मैन अछि बुझियला तो आपनकर पर्सनल नेटवर्क एटा नुहे गोटे हला आपनकर वाइड एरिया नेटवर्क गोटे हला लोकल एरिया नेटवर्क आ गोटे हला मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बुझीला ऑप्शन नंबर डी हम आपंकर गोटे सठिक आंसर आपको प्रश्न कहला कौटा गोटे कंप्यूटर नेटवर्क नुहे ऑप्शन नंबर डी रहा सठिक आंसर टी बुझीला। नेक्स्ट प्रश्न रही हजार चबीस बाइट इक्वाल टू के तो आपण मान हजार चबीस बाइट रे के हुए ना हजार चबीस बाइट इज इक्वाल टू है आपंकर वन कौन के भी वन के भी है आपंकर हजार चबीस बाइट इज इक्वाल टू सेमती आपंकर हजार चबीस के भी इक्वाल टू हजार चबीस के बी इक्वल टू आपंकर कौन हम ना वन एम बी हम है किलो बैट ताप मेगा बैट ताप गिगा बैट ताप टेरा बैट यह आपंकर सिक्वेन्स बढ़ी बढ़ी जीव बुझेगा तेणु आपंकर हजार चबीस बैट इज इक्वल टू है वन के बी ऑप्शन नंबर बी रठिक आंसर टी। नेक्स्ट प्रश्न रही देखु प्रोटोकॉल यूजिंग फॉर रिसीविंग एन ईमेल तो जितेबाला आपंकर ईमेल रिसीव करते समय आपंकर कौ प्रोटोकॉलटा यूज होता है तो मेल रे आपर प्रोटोकॉल आप जानते पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल गोटे यूज हुए आ गोटे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल गोटे यूज हुए तो मेल रिसीव आप जिते कर समय आपंकर पॉप थ्री प्रोटोकॉल यूज हुए जितेबाला सेंड कर समय एस एम टीपी जोटा कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज हुए सेंड करवा समय रिसीव कर पॉप थ्री प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर सी रठिक आंसर टी। नेक्स्ट उत्तर को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर डाटा परमानेंटली इन ए कंप्यूटर तेल गोटे कंप्यूटर आपर कौ मेमोरीटा परमानेंटली आपंकर डाटा को स्टोर करें बुझेगा तो यार सठिक आंसर हूँ आपंकर रोम हूँ कंप्यूटर गोटे मेमोरी जे कि आपंकर डाटा को परमानेंटली स्टोर करें बुझेगा। नेक्स्ट प्रश्न जीवा नेक्स्ट प्रश्नटा कौन रही द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम बाय ताले भारत संविधानटा को किए फ्रेम करथिला बा किए कहा द्वारा से निर्माण कराई तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा आपण मानक आम संविधान को तैयारी कराई जोटा कि ऑप्शन नंबर बी सठिक उत्तर टी बुझीला। परवर्ती प्रश्न रही देखु द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ताले भारतीय संविधानटा केवे आम ग्रहण कलु तो एडॉप्ट कराई आपणकर संविधानटा है 26 नवंबर 1949 आपणकर संविधानटा को एडॉप्ट कराई बुझीला ऑप्शन नंबर सी सठिक आंसर 26 नवंबर 1949 मसीह आमे आमर संविधान को ग्रहण करिछु। एवं नेक्स्ट प्रश्न जोटा रही कार्यकारी केबे करा गला ना ताकु कार्यकारी करा गला जनवरी 26 1950 कार्यकारी करा गला आमे संविधान टाकु ग्रहण कलु 26 नवंबर आमे ग्रहण कलु जोटा कि 1949 आउ कार्यकारी करा गला 26 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर ए सठिक आंसर टी। तो नेक्स्ट प्रश्न टी रही आप 26 जनवरी टाकु कौन पर चूज करा गला आमर संविधान को कार्यकारी करने अलग डेट्रे भी करा जाई पारि थांता तो देखंतु आपनकर जो 1929 मसीह डिसेंबर मासर 31 तारिख आपनकर कांग्रेस रो गोटे सेशन हेतला लाहौर रे सेठी आपन मानकर डिसाइड कराइतला जे प्रतिवर्ष इंडिपेंडेंस डे टाकु 1930 मसीह पाखरु से माने जनवरी 26 टाकु पालन करी आसुतले तेणु आमे से 26 जनवरी को मन रखिया पाई से 26 जनवरी 1950 को आम चूज कलु जोटा कि आम संविधान संविधान पाखर कार्यकारी करागला तेणु यार सठिक आंसर हम आपंकर ऑप्शन नंबर सी जोटा रही द कांग्रेस हेड ऑब्जर्व इट एज इंडिपेंडेंस डे जोटा कि 1930 मसीह 26 जनवरी को पालन करते बुझेगा ऑप्शन नंबर सी यार रेक्ट आंसर टी। नेक्स्ट प्रश्न को जी नेक्स्ट प्रश्न रही आपंकर
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सवर्निंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ताले आपनकर वर्ल्ड रो सबुठु लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कोटा लिखित संविधान सबुठु बड़ हला इंडिया रो संविधान ऑप्शन नंबर डी रहइबो सठिक उत्तर टी बुझियला। नेक्स्ट प्रश्न जीवा नेक्स्ट प्रश्न रहिछि इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अशोक चक्र इज ए डैश स्पोक व्हील। तो आपंकर कहुई जो आमर जो नेशनल फ्लैग रे अशोक चक्र रही तो सही आपंकर केतेटा स्पोक रही आपंकर कहुई तो आम जाने 24 स्पोक रही जोटा आमर प्रगति को दर्शाई था अशोक चक्र जो आम नेशनल फ्लैग रे रही बुझेगा तेनाली ऑप्शन नंबर डीटा रही है सठिक आंसर 24 स्पोक रही। इजी अच्छी प्रश्न गुड़ा किंतु परीक्षापी आपंकर इम्पोर्टेंट रही आपंकर। नेक्स्ट प्रश्न रही आमर फास्ट फाइनेंस मिनिस्टर किए रही थे आपको कह इंडिपेंडेंट इंडिया रो फास्ट फाइनेंस मिनिस्टर किए रही थे यार सठिक आंसर हे जोटा कि ऑप्शन ए रे रही आरके सन्मुखम चेट्टी हूँ आपण मानकर इंडिपेंडेंस भारत रो प्रथम फाइनेंस मिनिस्टर बुझेगा ऑप्शन नंबर ए रहा सठिक आंसर आरके सन्मुखम चेट्टी। नेक्स्ट प्रश्न रही देखु इन इंडिया सिंगल सिटीजनशिप हेज बीन एडप्टेड फ्रम ताले आम भारत रे जो सिंगल सिटीजनशिप रही सिंगल सिटीजनशिप तो यहाँ को आम कौ कंट्री रु आनी कौ कंट्री रु आम यू आहण कर सठिक आंसर हो सिंगल सिटीजनशिप यूके रु अणाई ऑप्शन नंबर बी रठिक उत्तर टी जोड़ा कि यूएसए आपंकर डुआल सिटीजनशिप रही किंतु यूके आपंकर यूएसए आपंकर डुआल सिटीजनशिप यूके आपंकर सिंगल सिटीजनशिप आम आनी यूके रु जोटा कि सिंगल सिटीजनशिपटा को इंडिया रही आम ग्रहण कर बुझेगा। नेक्स्ट प्रश्न रही 14 नंबर प्रश्न रही द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन ताले आमर जो संविधान डीपीएसपी रही ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो रही जोटा कि आपंकर आर्टिकल नंबर 36 रु आरंभ हो 51 पर्यंत रही तो यहाँ आम कौ कंट्रीर संविधान आम आईटा आप आयरलैंड रु आम आनी बुझेगा ऑप्शन नंबर सी रहा सठिक आंसर एवं आयरलैंड कहाँ पाखु आयरलैंड है स्पेन पाखु बुझेगा। नेक्स्ट प्रश्न रही देखु फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वी हैव टेकन द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ताले जुडिशियल रिव्यू सिस्टम जोटा रही आम कौ कंट्री रु आम यू आनी ना जुडिशियल रिव्यूटा को आम यूएसए रु आनी जोटा कि अमेरिका रु आम जुडिशियल रिव्यू प्रोसेसटा को आनी बुझेगा ऑप्शन नंबर सी रठिक उत्तर टी। परवर्ती प्रश्न रही द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडॉप्टेड फ्रॉम ताले आम संविधान जो राष्ट्रपति विरुद्ध में महाभियोग जोटा अणा जाए इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 अनुसार ताले सेटा आम कौ कंट्री रु ग्रहण करछु ना सेटा आम आनी जोटा कि अमेरिका रु ऑप्शन नंबर ए रहइबो सठिक उत्तर टी। अमेरिका रु आम आनी इम्पीचमेंट प्रोसेस जोटा कि प्रेसिडेंट विरुद्ध आर्टिकल नंबर 61 रही। नेक्स्ट प्रश्न रही देखु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए बाय द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ताले जो भारत रो संविधान जो माने तैयारी कले तो ये आपंकर कहुई जे अमेरिका रु ग्रहण करिछु जो ऑप्शन आपंकर दियाई एगा मध्य कौ कौ गुड़ा आम अमेरिका रु आणिक ग्रहण करछु आम संविधान तो ये जो दिखाई जुडिशियल रिव्यूटा आम अमेरिका रु आनी फंडामेंटल राइटा अमेरिका रु आनी रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्टर जज को रिमूवल करवा से आम अमेरिका रु आनी तेनालीरुगुड़ा आम अमेरिका रु आनी तेना सठिक उत्तर हूँ ऑल ऑफ दिस अबव ऑप्शन नंबर डी रठिक आंसर टी बुझेगा। नेक्स्ट प्रश्न रही देखु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स से आर द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ चाइना ताले चाइना सहित इंडिया रो कौ राज्यटा सबुठू लंबा बाउंड्री शेयर करे ताले चाइना सहित इंडिया रो कौ स्टेटटा शेयर करे ना उत्तराखंड होची आपण मानकर सर्वाधिक बॉर्डर शेयर करे का सहित चाइना सहित ताले कौ कौ स्टेट गुडा शेयर करछंती जदि आमे यूनियन टेरिटरी को मिसेबा ताले आपणकर लद्दाख रहइबो चाइना सहित शेयर करछि देन आपणकर हिमाचल प्रदेश आसीबो देन उत्तराखंड आसीबो हला तापर आसीबो सिक्किम आसीबो देन आपणकर आसीबो अरुणाचल प्रदेश बुझला ये पांचटा आपणकर स्टेट रोचे जोगुड़ा चाइना सहित बॉर्डर शेयर करुच्चे तो मध्य सबुठ लॉन्गेस्ट बाउंड्री जी शेयर करेटाला उत्तराखंड ऑप्शन नंबर डी रठिक आंसर टी बुझेगा। नेक्स्ट प्रश्न रही बमडिला पास आपर कौ स्टेट्रे रही बमडिला पास आपंकर कौटी रही ना यहाँ आपंकर अरुणाचल प्रदेश में रही बमडिला पास कौटी अरुणाचल प्रदेश में रही बमडिला पास जोटा कि ऑप्शन नंबर बी रठिक उत्तर टी बुझेगा। नेक्स्ट प्रश्न रही देखु
व्हिच इंडियन स्टेट इज बॉर्डर बाय बांग्लादेश ऑन इट नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट। ताले इंडिया को राज्य टाकु जोड़ा कि बांग्लादेश तार नॉर्थ साइड रे भी अच्छी साउथ साइड रे भी आ वेस्ट साइड रे को स्टेट को एभड़ा भाव अच्छी ना ये आपंकर हम जोड़ा कि त्रिपुरा आपण मान जो तले रहा त्रिपुरार नॉर्थ साउथ वेस्ट तीन आड़ आप बांग्लादेश रही तेणु ऑप्शन नंबर सी रठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा बुझेगा। नेक्स्ट प्रश्न रही द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज ताले भारत रो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहला ताले पूर्व दिगर जो पॉइंटा कथा कहुई ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौटा हम भारत ना देखो तो इंडिया रो जो चार्टा पॉइंट रोचे गोटे रहा ईस्ट टू ईस्टर्न मोस्ट वेस्ट आ गए नॉर्थ आ गए साउथ बुझेगा। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जोटा हम सीटा आपबीठू हम ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जोटा वेस्टर्न कौचु से गौरमथा जोटा नॉर्थ नॉर्दर्न मोस्ट कौचु से इंदिरा इंदिराकल आ जोटा है इंदिरा पॉइंट है आपंकर साउदर्न बुझेगा। इंदिरा पॉइंटा हूँ साउदर्न मोस्ट इंदिराकलटा हूँ नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ईस्ट आपबीठू वेस्ट आपंकर गौरमथा बुझेगा। तो सठिक आंसर हम आपंकर किबीटू जोटा कि ऑप्शन नंबर ए रही सठिक उत्तर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न आम देखिए नेक्स्ट प्रश्न रही द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू एट इंडियन स्टेट ताले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो रही 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लाटिट्यूड रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया देखी पास कर इंडिया टाक इक्वाली टू पार्ट रे डिवाइड कर नॉर्थ साउथ आकार तेणु आठटा राज्य देखिए इंडिया पास कर ताले यही जो आप चारिटा ऑप्शन दिखाई यही कौ स्टेट देकर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करनी आपई का देखिए पास करना ना सठिक उत्तर देखो आप जो आठटा राज्य दे कौन कौन गोटे आप गुजरात हे गोटे राजस्थान हे है गोटे आप मध्यप्रदेश हे गोटे छत्तीसगढ़ हम गोटे झारखंड हे गोटे वेस्ट बेंगल हे गोटे त्रिपुरा हे आ गए आपंकर मिजोराम यही आठटा राज्य देखिए आपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टा इंडिया रे पास करी तो या भितर कहार ना ना आपंकर वेस्ट बेंगल देखिए पास करी छत्तीसगढ़ देखिए पास करी राजस्थान देखिए पास करी किंतु आसाम देखिए आपंकर पास करना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बुझेगा जोटा 23.5 डिग्री नॉर्थ लाटिट्यूड तो सही आप सठिक उत्तर आप प्रश्न अनुसार आसाम हम ऑप्शन नंबर बी रठिक उत्तर टी। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा नेक्स्ट प्रश्न रही दारिंगीवाड़ी हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन ताले आप जो दारिंगीवाड़ी हिल स्टेशन टा रही यहाँ आप कौ राज्य रही प्रश्न कह तो बहुत ही इजी प्रश्न होगा दारिंगीवाड़ीटा आप रही कौटी ना यहाँ ओडिशा रही बुझेगा ऑप्शन नंबर डी रठिक आंसर टी। ओडिशा रो कौ जिले रही आप दारिंगीवाड़ी आप कमेंट रे कहिबे ऑप्शन नंबर डी रोचे दारिंगीवाड़ी ओडिशा रे रही ओडिशा रो कौ जिले रोचे आप कमेंट रे निश्चित कहिबे। नेक्स्ट प्रश्न रही देखंतु व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट बॉर्डर विथ ओडिशा ताले कौ स्टेट आपंकर ओडिशा सहित बाउंड्री शेयर करना बोली आप प्रश्न कहुई तो ओडिशा सहित देखो आप वेस्ट बेंगल शेयर कर झारखंड शेयर कर छत्तीसगढ़ शेयर कर आंध्र प्रदेश शेयर कर यही चारिटा राज्य ही ओडिशा सहित बॉर्डर शेयर करते आ जो तेलंगाना आम कौ तेलंगाना ओडिशा सहित बाउंड्री शेयर करना बुझीगला तेणु या मध्य कौटा हम बिहार आपशा सहित कौन सी प्रकार बाउंड्री सेयार करना ऑप्शन नंबर सी रठिक उत्तर टी। नेक्स्ट प्रश्न रही लता मंगेशकर डाय ड्यू टू कोविड 19 तो कोविड 19 जो आप लता मंगेशकर डेथ होता केवे 6 फेब्रुआरी 2022 कहुई भारत रत्न अवार्ड जो दिया तो भारत रत्न अवार्डटा ताकू केबे रिसीव करिथिले से बोली कहाई तो लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड 2001 दिया दिखाला ऑप्शन नंबर बी सठिक आंसर 2001 भारत रत्न अवार्ड दिया जाइला बुझीगला। नेक्स्ट प्रश्न रही देखंतु इन व्हिच सिटी वाज द कंट्रीज फर्स्ट बायोगैस पावर चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल रिसेंटली ताले आम कंट्री रो फर्स्ट बायोगैस पावर चार्जिंग स्टेशन कौ सहर आपंकर फास्ट रिसेंटली इंस्टॉल करा गला ना इटा आपंकर मुंबई रे इंस्टॉल करा गला बायोगैस पावर चार्जिंग स्टेशन ऑप्शन नंबर डी रहइबो सठिक आंसर टी बुझियाला। नेक्स्ट प्रश्न रही देखंतु नेक्स्ट प्रश्न रही द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज ताले प्रेशर एसआई यूनिटटा कौन प्रेशर एसआई यूनिट होउची पास्कल होउची प्रेशर एसआई यूनिट बुझियाला
पास्केल हम प्रेसर एसआई यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न रही नेक्स्ट प्रश्न आप टर्म पेनाल्टी कर्नर इज एसोसिएट विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट आपंकर कौ स्पोर्ट रे पेनाल्टी कर्नर रही कौ स्पोर्ट रे पेनाल्टी कर्नर कराए यहाँ आप हॉकी रे रही ऑप्शन नंबर डी रटिक आंसर हॉकी रे आपर पेनाल्टी कर्नर रही बुझीगला। नेक्स्ट प्रश्न रही देखु व्हिच फिजिशियन डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन ताले कौ फिजिशियन आपंकर ब्लड सर्कुलेशन टाक डिस्कवर करते ना ब्लड सर्कुलेशन टाक आपंकर डिस्कवर करते विलियम हार्वे कौन किए करते विलियम हार्वे आपंकर ब्लड सर्कुलेशन टी डिस्कवर करते जोटा कि ऑप्शन नंबर ए रही सठिक उत्तर टी।